बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा और फाइनली बैटल ग्राउंड इंडिया जो है वो आ चुका है। मतलब पबजी का इंडियन वाला वेरिएंट जो है वो रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, काफ़ी ज़्यादा इस पर जो केस वगैरह चल रहे थे, अभी भी जो है वो बैन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मिनिस्टर्स इसको इंडिया के। बट अभी जो है इसकी अर्ली एक्सेस जो है वो प्ले स्टोर पर रिलीज़ हो चुकी है और मैंने कर ली है डाउनलोड और आज करेंगे अपन इसको टेस्ट। मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले का बटन जो है वो आ रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस वाले प्ले बटन को देख के। और मैं जो हूँ पबजी खेल ही रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम से वीपीएन वगैरह लगा के चल ही रहा था पबजी, काफ़ी ज़्यादा लोग उसके साथ खेल रहे थे, मेरे सारे सारे दोस्त खेल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा नया एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। मैं प्ले जो है वो दबा देता हूँ और अब जो है गेम लोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है पबजी का आइकन है, थोड़ा सा तिरंगा टाइप जो है इसके अंदर बना हुआ है पीछे की तरफ। और अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्राफ्टन लिखा हुआ आता है, टेंसेंट वगैरह लिखा हुआ नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस वाली कंपनी की वजह से जो है बकचोदियाँ चल रही थी। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि सिमुलेशन वगैरह है ये वाला गेम और वो दुनिया भर की चीज़ें। और जैसे कि आप लोग सुन सकते हो टोन को PUBG की ही ट्यून है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद इस वाली ट्यून को जो है मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि अपेरेंटली म्यूजिक वगैरह को जो है वो ऑफ करके रखता था। और यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है आप लिखा हुआ दे सकते हो बिल्कुल PUBG वाले फॉन्ट में, और सब कुछ जो है PUBG जैसा ही है, कुछ भी जो है वो डिफरेंस नहीं इस वाले गेम में PUBG से। बस यहाँ पर जो है वो बैटल ग्राउंड इंडिया लिखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर ही रहेंगी। मतलब ये जो एक्सेस वगैरह ले रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का ले रहा है और माइक्रोफोन का ले रहा है और कोई एक्सेस भी नहीं ले रहा है। और मैं यहाँ पर बात करूँ, आप अगर टेंशन ले रहे हो कि पहले मेरा जो डेटा था, मेरी जो स्किन्स वगैरह खुली हुई थी, मेरे कपड़े वगैरह खुले हुए थे और मेरी यूसी वगैरह थी, तो उन सब का क्या होगा, तो उन सब को आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो है एक प्रॉम्प्ट देता है कि आप जो अपना गेम के अंदर जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। पूरा का पूरा डेटा जो है एक तरीके से नॉर्मल वाले पबजी ग्लोबल से जो है वो इंडिया वाले पबजी के ऊपर ला सकते हो, तो ये वाली चीज जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और माइग्रेशन के बाद जब आप पुराना वाला पबजी खोलते हो तो फिर आपको जो है ये वाला प्रॉम्प्ट जो है वो दिखाता है कि योर अकाउंट डाटा हैज बीन माइग्रेटेड टू अनदर वर्जन, तो आप पुराना वाला पबजी जो है फिर एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ सिर्फ जो है वो बैटल ग्राउंड इंडिया ही चला पाओगे। सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट वाले पबजी के वर्जन की तरह ही है, सब कुछ जो है ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी यूजर इंटरफेस जो है वो पुराने वाले पबजी जैसा ही है। बस यहाँ पर जो है वो बैटल ग्राउंड इंडिया का नाम जो है वो आ रहा है। यहाँ पर साइड में जाते हो तो आपके सारे सारे अकॉम्प्लिशमेंट वगैरह आते हैं, आपकी सारी सारी स्किन्स वगैरह डिस्प्ले भी लगती हैं, आपकी गाड़ियाँ वगैरह पीछे खड़ी रहती हैं, और इधर जाते हो तो आपके इवेंट्स वगैरह जो है वो चलते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिल्कुल पुराने वाले पबजी जैसी यूआई ही है। और 700 MB का लगभग इसका साइज है जब आप इसको डाउनलोड करते हो, और फिर उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करके रन करते हो तो भी जो है वो थोड़ी सी MB वगैरह जो है वो डाउनलोड करता है। अब यहाँ से जाके आप सारे सारे मैप्स वगैरह, सारे सारे रिसोर्स पैक वगैरह निकाल सकते हो, जो पुराने पबजी प्लेयर्स होंगे उनको इसके बारे में पता होगा ऑलरेडी। और यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके आपको अल्ट्रा HD सेटिंग जो है वो अवेलेबल है और सारी की सारी सेटिंग्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे, तो बिल्कुल पुराने वाली UI ही है। आपको जरा से भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि आपको कोई नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ जो है वो पहले जैसा ही है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये लोग इरेंगल की स्पेलिंग को जो है वो चेंज करके इरेंजल कर देंगे, लेकिन ऐसा भी जो है कुछ भी देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे आपको इरेंगल ही देखने को मिल रहा है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं जो इस वाले गेम को कर देता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे अंकल लोग जो है वो आ रहे हैं, उड़ती हुई गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल बॉलीवुड की मूवी के सीन की तरह जो है वो लग रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है, और ये क्या एरर आ गया। तो ये जो है वापस से बोल रहा है कि ये जो है वो सर्वाइवल वगैरह है और वो दुनिया भर की चीज़ें, ये मेरे को ऑलरेडी पता है, ये सिमुलेशन है, कोई रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ में ऐसे बंदूकें जो है वो नहीं चलती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पीले कलर का खून निकल रहा है, जैसे किसी का मूत निकल रहा हो। और आप जिसको सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, आप इसको ग्रीन कलर पर कर सकते हो या फिर येलो कलर पर कर सकते हो। यहाँ पर लाल कलर को इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से हटा दिया है, तो अब जो है अपेरेंटली अपन एलियंस के साथ खेलेंगे, ह्यूमंस के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाल कलर का खून जो है वो किसी का भी नहीं निकलेगा, या तो पीले कलर का निकलेगा या फिर हरे कलर का निकलेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और अब ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है मुझको, क्योंकि पहले जब मैं पबजी खेलता था थोड़ी सी गिल्ट आती थी कि मैं जो है थोड़ा सा इलीगल काम कर रहा हूँ, या फिर ये वाली चीज़ है मेरी कंट्री में बैन हो चुकी है, फिर भी मैं इसको खेल पा रहा हूँ, तो काफ़ी अजीब सा लगता था। जब कूद रहे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एंटर द वर्चुअल वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब बार बार आपको दिखाना चाहता है कि ये जो है वो रियल लाइफ नहीं है। फिर अच्छा लग रहा है इस वाले गेम को खेलने के बिल्कुल लीगल तरीके से कि अब मेरी कंट्री में वाला गेम जो है वो अवेलेबल है, और मुझे कोई सा भी डिफरेंस जो है वो नहीं लग रहा है, बिल्कुल जो है पबजी मोबाइल ही है ये, बस नाम जो है वो चेंज हुआ है। और जो कंपनी थी, जो बुरी कंपनी थी, जो बुरा कंग्लोमरेट था टेंसेंट, उसका नाम जो है यहाँ से हट चुका है और सब कुछ जो है वो इंडिया के सर्वर्स पर ही चलेगा और इंडियन लोगों के साथ ही खेल पाएंगे। यहाँ पे आप एशिया सर्वर पर ही लॉक रहता है ये, आप US वगैरह के सर्वर पर नहीं खेल पाओगे, अपन अपने इंडियन भाई बहनों के साथ ही खेलेंगे इस वाले गेम को। इधर बंदे हैं,
ओह फक शिट, इसका मतलब यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो अर्ली एसेस बिल्ड जो है वो निकाल लिए, सारे के सारे जो है बंदे हैं असली खेल रहे, कोई बॉट्स वगैरह का नाटक नहीं है। और यहाँ पर भी जो है वो हर जगह पे कोई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। यहाँ पे आपके सारे के सारे कपड़े जो है वो आ चुके होंगे अगर आप लोग माइग्रेट वगैरह करोगे तो, साथ ही साथ आपका सारा का सारा कचरा जो आपको पहले वाले गेम के अंदर मिला था अगर आपको याद भी नहीं होगा तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे आ चुका है अगर आप डाटा माइग्रेशन करोगे तो। साथ ही साथ आपके सारे के सारे डांस मूव्स, ये वाले डांस मूव मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। और यहाँ तक आपकी कारों वगैरह की स्किन भी जो है वो आ जाएगी, आपकी बंदूकों वगैरह की स्किन आ जाएगी, तो टेंशन वाली कोई सही बात नहीं है कि आपका आप किसी चीज़ पे मिस आउट करोगे। ये वाला गेम जो है यहाँ पे रहेगा, मुझे लगता नहीं कि बैन वगैरह नहीं होएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। और यही था पबजी मोबाइल इंडिया जो आ चुका है। एंड आई होप आपके लिए वीडियो पसंद है भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिसे मिश्र सैनिक को भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।